अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने बाबा की रेसिपी, खट्टे मीठे आलू की रेसिपी, जो कि उनकी सीक्रेट रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग से पहले ही उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। खैर, यहाँ पे उन्होंने लिया है हाफ कप ऑयल, जिसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड किया है, और थोड़ी सी कलवंजी ऐड की है उन्होंने। इसे हमने हल्की आंच पर थोड़ा सा भूना है, और उसके बाद 1 टीस्पून अजवाइन ऐड किया है। इसे हम हल्का सा भूनेंगे हल्की आंच पर। उसके बाद इन्होंने इसमें 1 टीस्पून मिक्स मसाला ऐड किया है और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून टाटरी ऐड की है। इसे हमने हल्की आंच पर हल्का सा फ्राई करना है, भूनना है। उसके बाद इसमें ऐड किया है 1/4 कप सोया सॉस। इसी तरह से 1/4 कप चिली सॉस और 1/4 कप विनेगर, और उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है, और टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड किया है, हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। इसे हम हल्की आंच पर भूनेंगे, और उसके बाद 2 टेबलस्पून चीनी ऐड की है, और उसके बाद उबले हुए आलू ऐड किए हैं हमने 4 अदद मीडियम साइज के। इसे हम भून लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है, और उसके बाद हमने 1/2 कप केचप ऐड की है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। तो ये हमारे खट्टे मीठे आलू तैयार हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं हमें, और ट्राई ज़रूर करें। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, और आपको भी ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।